ये स्वयं यू नो वेरी वेल कि हम आपके लिए हमेशा का लिखते हैं एक फ्लैश कार्ड और इस फ्लैश कार्ड में हम देखने वाले हैं कि वॉट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज यू शुड की वेयर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनल इज मोस्ट डिपेंडेंट एंड वी विल ऑब्जर्व इट्स नंबर पर यूनिट पर Millimeter square, and then we will see how many uh, chloroplasts can exist per cell, and then we will ob observe or understand the detailed structure of this very great organelle that is the only organelle that is going to capture sunlight and convert solar energy into the calorie energy. We want to start with definition. Right organelle of the plant cell organelle of the plant cell that is used that is used to impart colour okay, to the plant cell is known as. What the plastid? We call it what plastid, and you know very well that there are three types of plastids. Number one, number one, chromoplast, number one is chromoplast, and then number two is. ूकोप्लास्ट एंड फाइनली नंबर थ्री इज क्लोरोप्लास्ट राइट तो क्लोरोप्लास्ट मेरे पास कौन सा प्लास्टिक है दैट इम पार्ट ग्रीन कलर दैट इम पार्ट ग्रीन कलर इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट एडवर्ट इज बी द टर्म ल्यूको ल्यूको मीन्स वाइट तो जहां जहां भी आपको प्लांट बॉडी में वाइट मिल्क वाइट और सेवाई मिल्क वाइट लेकर नजर आता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है ड्यू टू ल्यूको प्लास्ट फॉर एग्जाम्पल फिलू के अंडर रेड एच ऑफ यू के टर्न एप सो दीज पर्टिकुलर सब्सटेंसेज दे आर बेसिकली मिल्क वाइट दे आर वेरी वेरी रिच इन ल्यूकोप्लास्ट एंड दे चीफ फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ द फूड राइट तो ये बेसिकली Storage of the food be used. On the other hand, being green, these particular chloroplasts they are used to capture sunlight. They are used to capture what the sunlight, and once light is captured, it can be consumed to synthesize what carbohydrates. Now, what should be the job of what Chromoplasts.

So purple, right? Red, blue, pink, all these are basically making various types of what And if you look at the function, they are chiefly playing their role as an attractant. Different jo, hai, unke attract hai, different, different insects, and then they definitely help them in their reproduction and pollination and then the peels of different fruits peels of different fruits they are also very attractive due to presence of chromoplast the only logic behind this very as you can say artistic approach is to disperse the seeds fruits what are seeds तो जब भी फ्रूट पक जाते हैं तो डिस्टेंस से काफी डिस्टेंस से नजर आते हैं किसको एनिमल्स को तो एनिमल्स वहां तक पहुंचते हैं फूड वो खुद खा लेते हैं और सीड्स को रास्ते में डिस्पर्स करते जाते हैं तो यहाँ पे जो कलर है इट इज बेसिकली हेल्पिंग इन डिस्पर्शन ऑफ सीड्स तो ये हमेशा सीड्स को डिस्पर्स करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं सो ये है तीन डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक आज हम इसमें से जिस पर्टिकुलर प्लास्टिड को फोकस करने वाले हैं दैट इज प्रोडो सो लेट्स मूव टू बोर्ड। वी द डेफिनेशन एंड नाव टू मूव टू स्टडी राइट सो वी वांट टू राइटर वॉट अगर मैं अक्रंस की बात करू माई डर स्टूडेंट्स तो दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी ये तो हर जगह पाई जाती तो डायग्नोस्टिक फीचर है मेरे प्लांट का कि उसके पास प्लास्टिक प्रेजेंट होगा लेकिन अगर मैं अबेंडेंस की बात करूं तो जो क्लोरोफिल है सॉरी जो क्लोरोप्लास्ट्स हैं क्लोरोप्लास्ट दे आर मोस्ट एबंडेंट मोस्ट एबेंडेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इन द लीव्स लीव्स के अंदर राइट right? लीव्स में पाए जाते हैं सो यह बीच कर लिया कि मोस्ट इन द लीव्स अब अपने करना स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे ये है डायग्राम जाहिर सी किसी प्लांट राइट दिस इज अ प्लांट बॉडी एंड डेफिनेटली वी हैव प्लेस्ड इट इन अ पॉट पॉर्सलिन पॉट मिट्टी का बना हुआ गमला जैसे बोलते तो हैं उसमें लगा दिया हम लोगों ने एंड नाउ वी वांट टू प्लक अ लीफ फ्रॉम दिस स्टेम एंड देन वी वांट टू सी व्हाट इज बेसिकली लाइन इनसाइड द लीफ सो लुक एट दिस दिस इज अ लीफ राइट अब आप इमेजिन ये करें कि ये लीफ की अपर सरफेस है राइट right? और ये लीफ की लोअर सरफेस बिल्कुल ऐसा ही होता है अगर आप किसी लीफ को ऊपर से देखें तो वो डार्क कलर का होगा और किसी लीफ को नीचे से देखें तो वो लाइट कलर का होगा वेरी कंट्रास्टिंग डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स और एक ऐसा लीफ जिसकी दोनों साइड्स में बड़ा वाजे फर्क हो उसे हम क्या नाम देते हैं बाई लीफ दो चेहरों वाला ये डार्क चेहरे वाला साइड है और ये लाइट चेहरे वाली साइड है बाईफेशियल राइट इस तरह इस पर्टिकुलर लीफ की भी क्या है दो साइड्स एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली और ये जो मेरे पास तो साइड है माय डियर स्टूडेंट्स राइट अगर मैं इस पर्टिकुलर साइड को देखूं, तो मुझे नजर आएगा कि इसके ऊपर एक बहुत ही फाइन एक बहुत ही थे वॉटर प्रूफ मेटीरियल इज नोन एज क्यूटी इट इज अक्सीयर आई थिंक जब हमने चैप्टर नंबर टू को पढ़ाया था मिलकर पढ़ा था तो हमने देखा था एनिमेशन भी हमने लगवाई थी आप लोगों के लिए कि जो लीफ है उ, उसकी ऊपर वाली सरफेस बहुत ज्यादा शाइनी कैसे है तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लेयर दैट इज कॉल्ड अब हम इस लीफ के अंदर मूव करना चाह रहे इनसाइड द लीफ जब मैं उस मूव करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लीफ के नीचे देयर इज अ लेयर ऑफ लिविंग सेल्स लुक एट दिस ये लेयर ऑफ लिविंग सेल्स दरमियान में से मोटे हैं और साइडों से पतले हैं, राइट चलिए हम हाँ, एक यूज़ फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक बुक है एक कार्ड या गत्ता बुक के ऊपर लगा हुआ है और दूसरा कार्ड या गत्ता बुक के नीचे लगा हुआ है। यह समझ उसी गत्ते की बात कर रहा हूं जो ऊपर है वो जो गत्ता बुक के ऊपर है इसे नाम क्या देते हैं इसे भी नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस इसे क्या नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस। सिमिलरली ऐसी एक लेयर नीचे भी है जैसे बुक के नीचे गत्ता है वैसे यहां पर भी एक गत्तेनामा चीज प्रेजेंट है और उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग नाम क्या देते हैं लोअर एपिडर्मिस समथिंग लाइक इट दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस But, this lower epidermis, it is definitely different from the upper epidermis, not in the terms of shape, but in the terms of having some very, very special kidney-shaped cells. Those are called as what? Guard cells. What we call them as? Guard cells. So, look at this. There is no guard cell in the upper epidermis and there are many guard cells in the lower epidermis right so these are again what guard cells and these particular guard cells they have got a hole in the center and that very hole somewhere here we we are going to uh, label it properly we call it as what stomat stoma right

मुझे क्या नजर आ रहे हैं नजर आ रहे हैं मुझे इस तरह के फिंगर लाइक टाइटली सेल्स समथिंग लाइक इट और ये जो मेरे पास फिंगर लाइक टाइटली पैक्ड सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट हम इतना ही ड्रॉ करेंगे बाकी वेस्ट सिर्फ टाइम है उसको जया नहीं करेंगे टाइम को इसे नाम देखते हैं सेड मीजोफेल सेल्स राइट अब इन सेल्स के नीचे लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं एंड दे आर ओवल इन शेप फॉर एग्जांपल, ऑल हैव डेफिनेट शेप, बट वी कैन कॉल इट एस ओवल शेप एंड दे आर बेसिकली हैविंग व्हाट वेरी लार्ज इंटरसेक्युलर स्पेसेस And these particular cells to yung ki yangak pay we call them as what spongy mesophyll cells. Spongy mesophyll cells. Although these two cells have very distinct morphology, but still one thing is common, and that is the presence of dots. Look at these dots. Right? These particular dots are representing what? Chloroplast. So, number of chloroplasts are maximum in the mesophyll cells. Right? And you know very well, being the plant cell, there is a very large vacuole inside. We have a vacuole in the center because it is plant cell. something like it so this particular thing is called as vacuole and uh, this very structure is called as what chloroplast got the point same sort of dots are also present in what palisade mesophyll but if you look at the number of these particular dots they are much much higher in these particular cells राइट right? अब अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास कितने होते हैं क्या नंबर ऑफ निजोल सेल्स पर यूनिट एरिया तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा है यानी के ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन पर मिलीमीटर स्क्वेयर एरिया में हाफ अ मिलियन सेल तक हो सकते हैं अब अगर मैं इनमें से हर एक सेल के अंदर झांकू तो मुझे पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेटली मेरे पास ट्वेंटी से लेके हंड्रेड तक ये वाले डॉट्स हो सकते हैं पर सेल इमेजिन कर सकते हैं कि कितने रिच हैं ये वाली लेयर्स किडनी प्रोडोप्लास्टिक राइट अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि अब हम इसमें से एक इंडिविजुअल सेल को ड्रॉ करते हैं और देखेंगे इस इंडिविजुअल सेल के अंदर हम फर्दर क्या चीज फाइंड कर सकते हैं लुक एट दिस माई स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ आ ये मेरे पास एक निजोफिल्सेंट आपको पता है कि हमारे पैलिस में भी और स्पंजी बिजोफिल सेल में भी क्या प्रेजेंट होते हैं क्रोरोप्लास्ट एंड वेल के अब डिस्कस किया था कि दीज पोप्लास्ट दे आर बेसिकली लाइंग इन पेरीफेल पोजिशन ये साइडो साइडो में प्रेजेंट होते हैं और इसके सेंटर में यूनोवेरीवेल के यहाँ एक बहुत बड़ा क्या होता है

तो हमें यह पता चला कि इस पटेल क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्रेन राइट एक है इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और एक है इसकी इनसाइड मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन राइट मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट राइट एंड इनर वन और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है व्हाट इज इट्स नेम इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन राइट अब इन दो मेम्ब्रेन के अंदर एक खाली जगह है दिस होल कैविटी ये सारी जगह जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ क्लास अपनी में आपको भी बता रहा हूँ क्लास रूम है इस पर्टिकुलर क्लास रूम में ऑल अराउंड वॉल्स नीचे फ्लोर है और टॉप पे रूफ तो इन चार दीवारों और फ्लोर और रूफ के दरमियान में बेसिकली एक कैविटी है जहां डेफिनेटली आप लोग बैठे हुए हैं उस पर्टिकुलर कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं स्ट्रोमा सो कैविटी कैविटी ऑफ cavity of chloroplast is called as what stroma ab students kya ye space khali hai to definitely answer is no jaise classroom mein aap log baithe hue hain aise hi is particular cavity ke andar आप लोगों को मुख्तलिफ चीजें मौजूद नजर आती हैं उनमें से एक चीज क्या है fluid. That is basically filling this cavity.

तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसी पर्टिकुलर सूप में हमारे पास चलता है डार्क रिएक्शन तो उस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन की जितनी भी एंजाइम है वो इसी पर्टिकुलर सूप में डिजोल्व होते राइट तो स्ट्रोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से लोकेशन बिकॉज जैसे मैं लिखा है इसको डार्क से कि इस पर्टिकुलर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है अगर आप डार्क रिएक्शन को एक और नाम देना चाहें तो वो स्टूडेंट्स क्या था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन राइट right? तो ये रिएक्शन एक साइकिल प्रोसेस है और हम इसे नाम देते हैं आप पढ़ के यहां लास्ट क्लासेस में कैलविन साइकिल तो इस पर्टिकुलर कैल्विन साइकिल को ऑपरेट करने के लिए जितने भी एंजाइम हैं आर इन स्ट्रोमा प्लस आप लोगों ने एक बात और बहुत से सुननी है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट है क्या इस पर्टिकुलर प्लास्ट का अपना डीएनए राइट डीएनए ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आपको याद है कि हमारे इस पर्टिकुलर सेल में यूकेर सेल में दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं कि जिनका अपना इंडिपेंडेंट डीएनए है है उनमें से एक यही क्लोरोप्लास्ट और दूसरा आप लोगों तो का है इससे मैं क्या बताऊं स्टूडेंट्स कि ये दोनों मीन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स है लिखते हैं आप लोगों के लिए कि क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल्फ टिंग ऑर्गेनल राइट तो ये डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस के अंडर अपने नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं प्लस डेफिनेटली इनके पास अपनी पैदा क्या प्रेजेंट है राइबोसोम्स प्रेजेंट है और यूनो इंपॉर्टेंस ऑफ राइबोसोम्स के राइबोसोम्स इस पर्टिकुलर एंडोसिम्बाइट प्रोक्रियाट को क्या कर रहा है प्रोटीन बना के दे रहे तो ये राइबोसोम्स दे आर बेसिकली मेकिंग प्रोटीन फॉर द क्लोरोप्लास्ट तो इसका अपना डीएनए भी है और इसकी अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन भी राइट right? अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्लूड फिल्ड कैविटी में इस प्रोटीन रिच सूप के अलावा क्या है तो मुझे नजर आता है कि इसके अंदर हमें का एक वेल कनेक्टेड इंट्रीकेटेड सिस्टम नजर आता है इसके अंदर लगा हुआ यानी कि अगर आप लोग इसको बिल्कुल फ्लैट वे में देखेंगे तो वो आप लोगों को कुछ ही से lines, इस तरह की लाइंस इस तरह की डार्क लाइंस आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड नजर आते राइट right? लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और फर्दर डिटेल में जाके देखते मुझे पता चलता है स्टूडेंट्स कि बेसिकली ये जो एरियाज मुझे क्रॉस सेक्शन में ऐसे नजर आ रहे हैं इरेज हूं आप लोगों के लिए कि ये बेसिकली स्टैक्ड मेम्रेन है अब हम इसको थ्री व्यू में डिटेल से ड्रॉ करके देखते हैं कि समथिंग लाइक इट कि जैसे ये एक सॉसेज है ये समथिंग लाइक इट ये एक ये एक सॉसेज इसके नीचे एक और या प्लेट है उसके नीचे एक और या प्लेट है उसके नीचे एक और या प्लेट इसको समझाने के लिए मैं आमतौर पे एग्जाम्पल लेता हूं किसी चावलों वाले गोदाम की या चीनी वाले गोदाम की या गंदम वाले गोदाम की आप देखते हैं कि उस में, उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर गोडाउन में में गोदाम जो आटे और चीनी या चावलों की बोरियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है हम लोगों ने तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी स्टेक्ड मैम फिल्ड वेजिकल हैं मैंने आपको हमेशा बताया वेजिकल क्या होता है आ कैविटी दैट इज बाउंडेड बाई अमरी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंपल शॉपिंग बैग हो और शॉपिंग बैग को आप इन्फ्लेट कर दे वो फूल जाएगा नो इट इज एयर फिल्ड वेजिकल तो यहाँ पे भी ये क्या है वेजिकल्स है ये वेजिकल दूसरे के ऊपर रखे हुए तो राइट इन पर्टिकुलर वेजिकल्स को देखा जाए तो दे आर नॉट एक्सिस्टिंग इनडिपेंडेंटली राइट ये वाले जो वेजीकल्स है ये क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट ये आपस में कनेक्टेड है समथिंग लाइक इट समथिंग लाइक इट आ सनेक्टेड इस पर्टिकुलर स्टैक को इस पर्टिकुलर स्ट्रैक ऑफ मेमब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स ग्रहना तो एक ग्रहणा ये है एक ग्रहणा ये है एक ग्रहणा ये है इस पर्टिकुलर ग्रहणा में इसे की जो एक सैक है एक सिंगल सैक इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स वॉट ग्रैनम राइट और ये जो चीजें इनको आपस में लिंक कर रही हैं, जोड़ रही हैं, इन्हें हम नाम नाम देते हैं व्हाट इंटरग्रेना इंटरग्रेना कि ये दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली कोई चीज है राइट right. तो इस तरह की न्यूमरस न्यूमरस टैक्स दे आर बेसिकली ऑक्यूपाइंग व्हाट द लूमन ऑफ व्हाट क्लोरोप्लास्ट एक लूमन वो है जिसमें ये पर्टिकुलर ग्रेना है अब मैं बात करूं एक और लूमन की जो बेसिकली इस पर्टिकुलर सैक के अंदर है इट इज लाइंग इन साइड द सैक। इट इज द लूमन ऑफ लूमन ऑफ ग्रेनम ये ग्रेनम का लूमन है तो ये जगह क्या है जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं ये बेसिकली लूमन ऑफ क्लोरोप्लास्ट सो डोंट कंफ्यूज दीज टू विद वन अनदर क्लोरोप्लास्टिक कैविटी का नाम है लूमन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और ग्रेनम की कैविटी का नाम है लूमन ऑफ द ग्रेनम ये दो डिफरेंट चीज अब इस पर्टिकुलर ग्रेनम को अगर मैं फर्दर मैग्नीफाई करके देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ग्रेनम के बाहर एक वेरी वेरी स्पेशल मेम्ब्रेन रिमेंबर बाय डियर स्टूडेंट्स ये वाली मेम्ब्रेन डिफरेंट है और वो मेम्ब्रेन जो बेसिकली ग्रेनम को इनक्लोज कर रही है वो डिफरेंट मेम्रेन हाउ इट इज डिफरेंट बिकॉज दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन हैव गॉट सम स्पेशल स्पेशल वो जो मेब्रेन हैं दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी की रोल इन द लाइट रिएक्शन चूंकि ये वाली एडिशन कहा प्रेजेंट हैं सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन पे इसलिए लाइट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रैनम में हो सकता है राइट आई हम इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नाम लिखते हैं नेम ऑफ दिस वेरी ग्रेनम इज कॉल्ड एज थायलाकोइड बहुत से लोग इसे थायलाकोइड भी बोलते हैं बट इन इनफैक्ट इज थकॉइड थायलाकोइड मेम्ब्रेन राइट मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेज द ग्रेनम इज कॉल्ड एज थायलाकोइड मेम्ब्रेन एंड

क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स लुक एट दिस कोई चीज यहां अटैच है फॉर एग्जाम्पल दैट स्पेन्स थ्रू दिस आर पार गुजरी हुई है इसे नाम देते हैं फोटोसिस्टम फिर इसके साथ मेरे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अटैच है जो इलेक्ट्रॉन्स को इन फोटो सिस्टम से मूव करवाएंगे फ्रॉम वन फोटो सिस्टम टू अदर फोटो सिस्टम से आई एम गोइंग टू ड्रॉ अदर फोटो सिस्टम समवेयर हेयर राइट तो ये एक और फोटो सिस्टम अब ये दोनों के दोनों फोटोसिस्टम्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन को किसी चैनल में से गुजार रहे हैं और इवेंचुअली इससे क्या बना रहे हैं दो चीजें एक को हम नाम देते हैं वाट एटीपी और दूसरे को हम नाम देते हैं एनएडीपीएच2 अब ये जो एटीपी और एनएडीपीएच2 है ये कहाँ रिलीज होगा डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो इस पर्टिकुलर ग्रैनम से बाहर रिलीज एटीपी भी स्ट्रोमा में आ जाएगा और एन ए डीपीएच टू भी स्ट्रोमा में आ जाए आप ये समझ रहे स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास चार्ज बैटरीज हैं और इन बैटरीज को चार्ज किसने किया है इन ग्रेनम ने कैसे लाइट रिएक्शन के थ्रू लाइट रिएक्शन ने इस ए को भी चार्ज कर दिया मीन उसमें एनर्जी भर दी और एन ए डी पी एच टू को भी एनर्जाइज कर दिया राइट कैसे किया कैसे होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन ये वाली चार्ज बैटरीज फिर बाद में इस ग्रैनम में प्रेजेंट एक साइकिल को ऑपरेट करती राइट right? उस पर्टिकुलर साइकिल को हम नाम देते हैं क्या कैलविन साइकिल राइट और इस कैलविन साइकिल के थ्रू फिर ये वाला क्लोरोप्लास्ट हमें क्या बना के देता है फर्स्ट ट्राइओजिस एंड देन हेक्सोजिस एंड सो ऑन राइट तो ये है स्टूडेंट हमारे पर्टिकुलर इस क्लोरोप्लास्ट uh, की अल्ट्रास्ट्रक्चर

And now this particular lumen is filled with a proteinaceous substance. Why proteins are there? Because, uh, we want to uh, synthesize new enzymes for it. We want to synthesize protein for itself. And then we want to synthesize what? Uh, DNA. And we want to carry out uh, the Calvin cycle. So all these activities demand lot of enzymes. So, this sare enzyme is particular stroma, K fluid, may suspended or present. This you use in the soup, right? हमें स्टैक्स नजर आती है राइट अब हम शुरू क्या करते हैं कि अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिकलीसलर बीजोफिल सेल इट हैज गॉट अट्रल लार्ज वैक्यूल दट इज सराउंडेड बाय द साइट एंड इन दिस पर्टिकुलर पैफल साइटोप्लाजम देर आर वॉट सस्पेंडेड Particles or organelles known as what chloroplasts. Now, look at the interior structure of the chloroplast. This particular chloroplast has got what two membranes outer and inner. You know, for your convenience, we have drawn these two membranes with two different colors, right? And there is a space between the outer membrane and the inner membrane. And then we have a huge cavity inside. Look at its blinking. This huge cavity is called as what stroma. In this particular stroma, look at this is a fluid, right? that is carrying out the process of cyclosis is and that very fluid is of course, the fluid of what protoplast and this particular fluid is basically very much rich in proteins and you know all enzymes are proteins a huge biochemical activity is taking place inside this particular what protoplast therefore, numerous enzymes are here to run the kelvin cycle to run the definitely light reaction to form the what its own DNA so, lot more enzymes are there, and lot more enzymes are basically making it what a water gelatinous appearance. And of course, all precursors of this particular activity, they are all suspended in the fluid of the stroma. Do you think there is only a fluid? Answer is no. There are a very intricate membrane systems are present. These particular membrane systems are interlinked with one another, and these particular systems. They also have distinct appearance at certain points, and these distinct appearances are what? the stacks of membranes lying over one another. And these particular stacks, they are carrying out what the process of light reaction. And what is happening in the stroma? Definitely dark reaction or light, independent reaction. Now we want to peep inside what the granum. These particular membranes, they are lying at over one another. They are making what? Grana. And you do look at these membranes. These membranes are joining the two grana with one another. And they are called as what? Intergrana. Inside this particular grana, there are many granum. Single sac is called as granum. And if we want to move inside the granum, so we have to cross a special membrane. And that very special membrane is called as thylakoid membrane. Remember,

and all these things they are basically carrying out nothing other than the production of what atp and nadph2 and then these two atp and nadph2 they are operating over there what a cycle that is called as kelvin cycle and this kelvin cycle is giving us what of course carbohydrates i hope after this much you can say revision and illustration you would be able to answer each and every question that may be asked in the lahore board i wish you very good luck and always keep your eyes open and brain open and book open to achieve your target. Take very good care of yourself and your great parents. Till next lecture. Bye bye.